हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोइन अख्तर। फ्रेंड, आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे कि 5 साल पुराना जो है यूट्यूब चैनल था, उसे यूट्यूब ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। ये चैनल जो है डॉक्टर फैजान थे हमारे दोस्त, उनका चैनल था, लेकिन इसे जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशानी का सबक बन गया है। ये जो है डॉक्टर फैजान जो हमारे दोस्त हैं, ये जो है दवाइयों से रिलेटिव वीडियो बनाते थे। इन्हें जो है दवाइयों से रिलेटिव वीडियो बनाते थे और दवाइयों से रिलेटिव जो है जानकारी लोगों को देते थे, लेकिन एकदम यूट्यूब ने इनका जो है चैनल डिलीट कर दिया। शाम के टाइम जब इन्होंने देखा तो इनका जो है चैनल डिलीट हो चुका था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कोई पॉलिसी थी उन्हें वायलेंस करने का जो है मैसेज भी दिया। न चैनल पर ना कोई स्ट्राइक आई थी, न कोई क्लेम आया था, डायरेक्ट यूट्यूब ने उनका जो है चैनल डिलीट कर दिया। ये सोचे बगैर कि ये बंदा जो है कम से कम 5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है, 16,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और चैनल से उन्हें जो है अच्छी खासी इनकम भी होती थी, लेकिन यूट्यूब में पल भर में जो है ये इनकम उनकी उड़ा दी, चैनल उड़ा दिया, पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। इन्होंने यूट्यूब पे ट्विटर करा, मेल करा है, लेकिन चैनल वापस नहीं आया। आप ज़्यादा सपोर्ट करें, यूट्यूब पे जाके इन्हें जो है ट्विटर से मैसेज करें यूट्यूब को और इन्हें सपोर्ट करें। इन्होंने अब नया चैनल बनाया हेल्थ एमएफ, हेल्थ एमएफ नाम से ये चैनल बनाया है। इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसकी वीडियो को लाइक करें, कि वीडियो को जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि अगर यूट्यूब पे कोई 16,000 सब्सक्राइबर बनाता है तो उसके लिए उसे कितनी ज़्यादा मेहनत करती है। जो एक यूट्यूबर होगा वो खुद जानता होगा कि 16,000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए और चैनल को मोनेटाइज करने के लिए किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके जो है 16,000 सब्सक्राइबर होते हैं। और इसमें जो है इनकम भी बहुत अच्छी हो रही थी इन्हें, लेकिन यूट्यूब ने जो है पल भर में इनके चैनल को डिलीट कर दिया, बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी क्लेम के, डायरेक्ट पल भर में उनका जो है चैनल ख़त्म कर दिया, उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी यूट्यूब ने। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आपको जो है इनके चैनल को सपोर्ट करना है। इन्होंने चैनल बनाया हेल्थ एमएफ क्योंकि आपको इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ही के सपोर्ट की वजह से इन्होंने जो है 16,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अपने गेन कर लिए थे, लेकिन अब अचानक जो है ये डिलीट हो चुके। इस चैनल के डिलीट होने से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इसलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करना है, हेल्थ एमएफ को, और इनके फिर से 16,000 या फिर 10,000 उससे ज़्यादा इनके जो है सब्सक्राइबर करने हैं। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे अब एक बात आती है कि आपको जो है यूट्यूब पे आपका करियर पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। आप अगर चैनल बनाते हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, उसे मोनेटाइज भी कर लिया, अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अब आपका जो है फ्यूचर सिक्योर हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि यूट्यूब पल भर में कभी भी आपको आसमान से नीचे गिरा सकता है, कभी भी आपको जो है यूट्यूब चैनल को डिलीट कर सकता है, जिससे आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास, आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम 2 या 3 चैनल आपके पास होने चाहिए कि अगर एक चैनल डिलीट हो जाए तो उसके बाद आपके पास 1 या 2 चैनल और हों, जिससे आप इनकम कर सकें, आपकी इनकम बंद ना हो। लेकिन ये ध्यान रखें, तीनों चैनल में अलग अलग जीमेल से आईडी बनाएंगे। अगर एक ही जीमेल से आपने आईडी बना दी तो तीनों ही आपके चैनल उड़ जाएंगे। यानी कि अगर आपने पहला चैनल बनाया तो उसकी जीमेल आईडी अलग होनी चाहिए, दूसरा चैनल बनाया तो उसकी जीमेल आईडी अलग होनी चाहिए। एक ही जीमेल आईडी से दोनों चैनल बनाएंगे तो आप जो है फिर से परेशानी में फंस सकते हैं, इस क्योंकि यूट्यूब का कुछ नहीं पता है कब आपको जो है वायलेंस आपको दिखा दे कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आपने कोई काम करा है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आप जो है वीडियो बना रहे हैं, आपका जो है चैनल पल भर में जब भी यूट्यूब पे आकर यूट्यूब की नज़र पड़ गई आपके चैनल पे और उन्हें दिख गया कि आप जो है वायलेंस कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत वीडियो बना रहे हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल वो पल भर में जो है बंद कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में, परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, तो कम से कम 2 से 3 चैनल तो आपको बनाने ही चाहिए। बाकी आप जो हैं डॉक्टर फैजान जो हमारे फ्रेंड हैं, इनको जाकर सपोर्ट करें, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इनके वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिसकी वजह से ये अपना चैनल फिर से खड़ा कर सकें और अपनी जो है फिर से जर्नी स्टार्ट कर सकें और
इनकम कर सकें। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।